तो करते हैं आज की क्लास शुरू। आज हम कर रहे हैं सर तक से कंटिन्यू। आप लोगों ने मेरे को बोला कि आपको कुछ डाउट्स आए हैं, राइट? आओ पहले उसका एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कौन से में डाउट आया था आपको? 10 10 में है ना। मैं पैरेलल क्वेश्चन 11 करा देता हूँ। क्वेश्चन 11 कर रहे हैं, पढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। इतनी लाइन का मतलब क्या है? उस सर्कल पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास कर। यहां तक क्लियर है? एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन L1, और जिसका सेंटर किस पर लाइक कर रहा है? L1 पे। पॉइंट क्लियर हुआ? L1 की क्वेश्चन याद कर लो, पॉइंट ए बी सी लिख लो। एक बच्चा लिख लिया, ओके। तो क्या हुआ, इसकी फिगर क्या बनी बताइए। क्वेश्चन 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। वो सर्कल जो पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास कर रहा है, ए क्या है? 2.3। बी क्या है? -1.1। एंड जो क्या कर रहा है, सेंटर किससे, सेंटर क्या है? सेंटर लाइज ऑन द लाइन L1। लाई का मतलब क्या है? एक लाइन L1 पर आता है। अब मेरे को जरा बताओगे एक बार, ये ए बी और L1 की इक्वेशन -CY -11 = 0। अब सबसे पहले इक्वेशन के लिए दो ही चीजें चाहिए होती है, मेन तो एक ही चीज है बेसिकली, सेंटर। सेंटर आ गया, सब कुछ आ गया। क्या मेरे पास सेंटर है? नहीं। क्या करूंगा सेंटर को? A, B लेट कर लूंगा। बोलो पहला पॉइंट क्लियर? क्लियर। सबसे पहला काम, एक बात सुन लो बेटा, जैसे ऐसे वैरायटी क्वेश्चन है, सबसे पहला काम स्टेप वन की तरह से लिखना, लिख लो, याद करना याद कर लो। A, B इस पे लाइक कर रहे, क्या कर दूंगा? गुड, बिकॉज यानी A, B lies on L1, therefore put it in L1 में डाल दो, राइट? डालिए A -3B -11 = 0। A क्या आ गया? किस वेरिएबल की वैल्यू निकालू? A की, B की? मैं A की निकाल रहा हूँ, क्यों? इजिली निकल जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर, आगे चलते हम। ये हो गया 3B + 11। तो यानी मेरा सेंटर क्या बना? 3B + 11, ये बना ना। अब काम हो जाएगा आराम से। अब मेरे को पता है OA और OB दोनों क्या है? रेडियस। OA OB दोनों रेडियस है ना। दोनों पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां तक क्लियर? अप्लाई करना अंडर रूट 2 - A² - 3 - B² = 2 -1 - A² - 1 - B². क्लियर? डाल दो, एक तो स्क्वायरिंग कर दो ताकि रूट हट जाए, दूसरा A की वैल्यू पुट कर दो। A की वैल्यू क्या है? 3B + 11। 2 - 3B + 11 = 3 - B². यहां तक क्लियर? फिर -1 - 3B + 11 = 1 - B² इसे करो ओपन, 2 - 3B - 11 = 3 - B² -1 - 3B - 11 = 2 - B². क्योंकि -3B - 9 = 2। अब इसे तो ओपन कर ही सकता हूँ मैं, A² + B² - 2AB, क्योंकि मेरा -3B - 12 = 2।
इसे ओपन करो, क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा बताओ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉमन एरर है बच्चा, ए माइनस बी लगाएगा, दोनों साइन सेम है तो ए प्लस बी लगाओ, से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 9 7 27 into 2 54 plus 54 b प्लस 9 minus 6 b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 36 36 72 72 b प्लस 1 minus 2 b राइट, 9 b स्क्वायर से 9 b। और अब आइए देखते हैं, एक तरफ करते बी वाली सारी टर्म्स को, मैं 54 और 6b दोनों को वहां भेज रहा हूँ, इसको वहां भेज रहा हूँ, 81 और 90 90 माइनस 145 72 माइनस 2b 70b 54 माइनस 6 48b 90 माइनस 145 कितना हो जाएगा मेरे बच्चा? -55 70b और 48b दैट वुड बी 118b। बी क्या हो जाएगा मेरा? -55 by 118। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर, नहीं यहाँ तक कन्फ्यूजन, पहले तक नोट करो फिर मैं आगे चलूँगा। बट एक छोटी सी करेक्शन, यहाँ पर एक तो माइनस था ये, तो दूसरा ये होना था मेरा माइनस, तो ये हो जाएगा 22b, ये हो जाएगा -55 by 22 यानी कटने पर ये हो गया -5 by 2। ठीक है, अभी आ गया बी। अब इससे क्या निकाल लेंगे हम? ए कहाँ पे पुट करके? यहाँ पे पुट करके, पुट इन फर्स्ट, पुट बी इक्वल्स टू -5 by 2 इन फर्स्ट। ए क्या है मेरा? 3b plus 11 3 minus 5 by 2 plus 11 -15 by 22 करा प्लस अपॉन में 2 तो 7 by 2 आ गया मेरा ए, तो सेंटर तो आ गया मेरा 7 by 2 comma -5 by 2। अब रेडियस कैसे निकालूं? रेडियस क्या करना है? रेडियस के लिए इन दोनों का डिस्टेंस OA लेना है, OA कहाँ है? यहाँ पे डाल दो वैल्यू सीधा, अंडर रूट 2 minus a plus 3 minus b 2 minus 7 by 2 का होल स्क्वायर 3 minus यानी plus 5 by 2 का होल स्क्वायर 4 minus 7 that is 3 3 by 2 का होल स्क्वायर यानी 9 by 4 6 plus 5 यानी 11 11 का स्क्वायर 121 by 4 root 130 by 4 root 130 किस पे जाएगा? 13 2 और 5 root 130 by 2 हो गया। अब इक्वेशन फाइनली मेरी x minus a x minus 7 by 2 का होल स्क्वायर y plus 5 by 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 130 by 2 का होल स्क्वायर। मेरी इक्वेशन क्या बनी? y plus 5 by 2 का होल स्क्वायर 130 by 4 कर दो सॉल्व, 4x square plus 49 2 7 14 14 into 2 28x 4y square चेक कर लेना आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, वैसे मैं पूरा ही करूँगा 220y 130। अब आप सोचोगे 4 कहाँ चला गया? बेटा नीचे 4 आता, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कट गया,
क्या बना, 4x² 4y² 28x + 20y, फिर आपका 49 और 25 और माइनस 130, तो 49 25 74 74 और माइनस कर दिया 130, तो मेरा आ जाएगा ये 74 130 56 नेगेटिव का। कॉमन ले लो, कॉमन क्या जाएगा सब में से 4 आ रहा है, तो क्या बच रहा है मेरा x² + y² - 7x + 5y - 14। चेक इट आउट, पीछे आंसर यही है या नहीं है, आओ क्वेश्चन 12 देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ए। क्या मतलब है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, क्या निकालनी है मेरे बच्चा, सर्कल की इक्वेशन विद रेडियस 5, जिसका रेडियस कितना हो 5 हो, तो जरा बनाओ सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। अच्छा रेडियस 5 है, आगे आगे भी कुछ कहता है, हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, जिसका सेंटर किस पर लाई कर रहा है x एक्सिस। बेटा देखो कैसे होगा, x एक्सिस यानी अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो किस फॉर्म में होता है, x, 0 करेक्ट राइट। अब ये तो बोले ना कि यहां लाइक कर रहे हैं, बोले x एक्सिस पर, और रेडियस कितना है 5। पॉइंट क्लियर हुआ इतना, ठीक है रेडियस 5 यानी यहां से मान लो मैं इसको बोल देता हूँ a, इसको बोल देता हूँ b, ओरिजिन तो ये रहा, तो ए से भी कितनी दूरी 5 यूनिट्स, एंड लिखा हुआ है पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 3। ओहो ए पॉइंट दे रखा है, इसका नाम कुछ और कर देते हम लोग, चलो इसका नाम चेंज कर देते हैं, लेट्स से इसका नाम सी। कैसे होगा, ए बी सी कॉमा 3, कुछ बात समझ आई कि नहीं आई होगी, दोबारा एक्सप्लेन करूं, रुको दूसरे में एक्सप्लेन करते हैं। देखो बेटा इतनी बात समझ आ गई कि सेंटर किस पे है, एक्स एक्सिस पर है, आइए सेंटर एक्स एक्सिस पर है यानी ये रहा x, 0 एंड सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट ए, और सर्कल क्या कर रहे हैं पॉइंट ए से पास कर रहे हैं, एनी पॉइंट यहाँ पर आएगा। सर आपको कैसे पता मैं 2, 3 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, खुद सोच के बता दो, पॉइंट क्लियर। तो अभी क्या हो गया ए ये बी, स्पेशलिटी क्या है ए बी, ए बी कितना हो गया रेडियस ऑलरेडी मेरे को 5 है, आर इज 5 यूनिट्स, और ए बी आर ही तो है, नहीं आई समझ बेटा, ये सेंटर है, सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक क्या कहलाती है वो लाइन रेडियस, ये होगी 5 यूनिट्स, क्लियर लगाओ अंडर रूट 2 - x² - 3 - 0² = 5 राइट, स्क्वायरिंग कर दो क्या हो जाएगा, ओपन करो a² + b² - 2ab + 9 = 25 x² अब एक तरफ शिफ्ट करूंगा, कौन सी क्वेश्चन बनती है ये क्वाड्रेटिक x² - 4x - 13 - 12 फैक्टर्स क्या बन जाएंगे मेरे x - 6 x + 2 यहाँ तक क्लियर, x की वैल्यू क्या आई 6 और -2 तो मेरा सेंटर क्या हुआ एक बार हो गया 6, 0 और एक बार होगा 2, 0। इक्वेशन बनानी है, रेडियस है सेंटर है, इक्वेशन कब जब सेंटर है मेरा 6, 0 x - 6² - y - 0² = 5² राइट, ओपन कर दो a² + b² - 2ab
25, you get x square minus 12x plus y square. इधर कर दो 25 को माइनस यानी प्लस 11, क्लियर होगी बात? इसी तरह दूसरी तरफ हो जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, इधर कर दो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस y स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0, क्लियर होगी बात? जो कि आंसर इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 13 करके दिखाओ राइट नाउ, आओ। अब इस क्वेश्चन को कराने के मेरे पास दो तीन तरीके हैं। क्या पहला क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी वो सर्कल जो कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से, और ए और बी पे इंटरसेप्ट बना रहा है। इंटरसेप्ट क्या था, याद है किसी को स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था क्या? यस, जहां एक्स और वाई एक्सिस को कट कर जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। यहां तक क्लियर? आइए तो इसकी फिगर कैसे बनेगी, क्योंकि अगर आप फिगर से बनाओगे तो क्वेश्चन ज्यादा कंफर्टेबली कर पाओगे। रेडी? देखो ये कहता है सर्कल क्या कर रहा है, ओरिजिन पास कर रहा है, कुछ इस तरह है। पॉइंट क्लियर है? ओके, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट बना रहे यानी इसके कोऑर्डिनेट्स कॉमा बी। ये तो पता ही है आप सबको कि जो सर्कल है, सॉरी जो इंटरसेप्ट है, वो हमेशा पहले एक्स का होगा फिर वाई एक्सिस का होगा, हमेशा एक्स वाले का पहले और वाई वाले का बाद में दे रखा होगा। अब इसकी इक्वेशन बनानी है, कैसे बनाए, दो टेक्निक है, ए बी। अगर आप ए से बी ज्वाइन करो, यहां से देखना, ज्वाइन ए बी राइट, ओ पे एंगल कितना बनेगा, 90। देखो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90, तो इसका मतलब ए बी क्या कहलाएगा, डायमीटर। अब आप में से किसी को थ्योरम वो शायद याद ना हो, क्लास 10th की होती थी, 9th की एक्चुअली, एंगल सबटेंड बाय डायमीटर इज 90 डिग्री, या उल्टा एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर क्या बोला, पहले तो हिंदी बताओ। अर्थात सेंटर पे जितना एंगल बनेगा इसके कोनों से हमेशा उसके हाफ बनता है। अगर सेंटर पे बना 200 तो इसके एंड पॉइंट से कितना बनेगा, याद आई? अब एक खुद बताओ, अगर यहाँ पर 90 है तो सेंटर पे कितना होगा, 180 राइट, 180, और 180 का मतलब ए बी क्या होगा, डायमीटर। Therefore, AB is the diameter. क्या लिखूंगा रीजन, एंगल टेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल टेंडेड बाय इट at any point on the remaining part of the circle. बोलो क्लियर होगी बात, यस और नो? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब मेरे को पता लग गया ए बी डायमीटर है, तो क्या मैं ये सेंटर निकाल सकता हूं, अगर ए बी डायमीटर है क्या मैं ये सेंटर निकाल सकता हूं, उत्कर्ष कैसे, क्या लगता है कैसे निकालूंगा?
बोलो, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? एक्स वाई बोल सकते साथ में, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन में टू। करो, एक्स वन ए प्लस एक्स टू जीरो अपॉन टू वाई वन जीरो प्लस बी अपॉन में टू। एक्स वाई क्या हो गया, सेंटर क्या हो गया मेरा, ए बाई टू कॉमा बी बाई टू। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, सेंटर आ गया। सर पर रेडियस तो है ही नहीं, रेडियस कैसे निकालूं? क्यों दिमाग लगाना है? सेंटर आ गया, क्या लगा दो, एसी। बात समझ आई नहीं आई? तो ना नहीं, ओरिजिन के साथ। हाँ वैसे बात तो ये भी सही है, ओरिजिन से निकाल लो डिस्टेंस और भी इजी रहेगा। ऐसे कर लो, ओरिजिन ये रहा मेरा, रेडियस क्या है, OA, OA नहीं इस पर, AC, BC, AC, BC और OC। तो किससे निकालो रेडियस? OC से, ज़्यादा कंफर्टेबल रह जाएगा। X माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस Y माइनस जीरो का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, A माइनस A बाय टू का स्क्वायर डायरेक्ट कर दूँ, B बाय टू का स्क्वायर, क्योंकि क्या ए स्क्वायर बाय फोर बी स्क्वायर बाय फोर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर, फोर बाहर आ जाएगा, क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में टू यूनिट्स। यस सर नो? अब इक्वेशन क्या हो जाएगी सर, इक्वेशन सेंटर ये रहा, ए बाई टू एक्स माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर वाई माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय फोर। ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय फोर, राइट, क्लियर। एलसीएम ले लो सबका, क्या आ जाएगा मेरा एलसीएम, इससे बेटर ऑप्शन है। मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, यहाँ पर ए स्क्वायर बाय फोर बी स्क्वायर बाय फोर प्लस में है ना, तो सेपरेट हो सकता है। अब क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। कैसा लगा क्वेश्चन, मुश्किल था? नोट डाउन प्लीज, रेडी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ए एंड पासेस थ्रू द पॉइंट बी। फिगर बनाई सबने, उस सर्कल के क्वेश्चन निकालो जो क्या कर रहे हैं, इसका सेंटर ए पे और पास कर रहे पॉइंट बी से, यानी कैसे बनेगी? ए क्या है टू कॉमा टू, बी क्या है फोर कॉमा फाइव, बोलो कैसे बनेगी क्वेश्चन? आर निकल जाएगा, सेंटर ऑलरेडी है, ये आर हो गया। डी आई वाई, डू इट योर सेल्फ। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, डज द पॉइंट ए लाई इनसाइड और आउटसाइड दिस सर्कल। ये क्या दे रखी है, एक क्वेश्चन दे रखी है किसकी, सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो पहले तो इसको जरा सॉल्व करके बना लो, क्या बनेंगे, इसका सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, बताइए सेंटर क्या रेडियस क्या। बिल्कुल सेंटर सही का बच्चे ने, ओरिजिन होगा, देखो याद है मैंने लिखवाई थी बात, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू
यानी 5 का स्क्वायर, तो सेंटर हो गया 0,0, आर हो गया 5 यूनिट्स, यहाँ तक क्लियर। आगे तो सर इसकी फिगर बनाए, फिगर कैसे बनेगी इसकी बताओ, अब कैसे बताओगे कि ये जो पॉइंट है ए -2.5, 3.5 ये अंदर है बाहर है या इस पे है, आओ बताओ, ऑनलाइन में आंसर आ चुका मेरे पास, ऑफलाइन में बच्चा कहता है क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गई तो सर्कल पे है, और अगर नहीं हो रही तो अब अंदर है बाहर है ये कैसे बताओगे, नो आइडिया, थोड़ा तो सोचो, हाँ बोलो ना, शाबाश, बिल्कुल देखो मैं ओ ए का डिस्टेंस निकाल लूंगा, लेट्स से ए यहाँ पर है तो क्या होगा, रेडियस से बड़ा, अगर ये अंदर हुआ रेडियस से छोटा, और अगर रेडियस के इक्वल हुआ यानी पॉइंट क्लियर हुआ, यानी सर्कल पे है, तो मैं ओ ए निकाल रहा हूँ, निकालते हैं क्या हो जाएगा, सेंटर ओ ए -2.5 -0 का होल स्क्वायर, 3.5 -0 का होल स्क्वायर, क्या जाएगा -2.5 का स्क्वायर करना 2.5 और 3.5 का 12.25, सर आपने इतनी फास्ट कैलकुलेट करा कैसे, जानना है, मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ सबको ये ट्रिक की वीडियो भेजी हुई है कि कैसे मैंने 5 सेकंड में कैलकुलेट करा, सर क्यों ट्रिक बता दो रूट निकालने के लिए, जाननी है वो भी डाली हुई है, चलिए पास क्या थे, तो यार रूट 18.5 यूनिट्स, थैंक यू रूट 18.5 यूनिट्स, अब खुद बताओ ये अंदर हुआ बाहर हुआ, छोटे ही आता है या वैसे देख लो ना 125, रूट 25 और रूट 18.5 में छोटा क्या, बिकॉज रूट 18.5 लेस देन 5 यूनिट, ये थी आप एक साइड करो इसे नोट,